लंदन जाकर सोनम कपूर ने किया ये काम, फैंस को बताया खास दिन का एक्साइटमेंट। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर लंबे समय के बाद अपने पति आनंद आहूजा के साथ लंदन पहुंच गई हैं। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण सोनम मार्च की शुरुआत में ही लंदन से भारत आ गई थी और तब से वो पति आनंद के साथ यहीं पर रह रही थी। सोनम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और समय समय पर ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी शेयर करती रहती हैं। लॉकडाउन के दौरान वो भी फैंस के साथ सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ी हुई थी। हालांकि अब अपने हस्बैंड के साथ सोनम लंदन वापस पहुंच गई हैं और वहां पर क्वारंटीन पीरियड भी खत्म कर लिया है और अब वो घर से बाहर भी जा रही हैं। क्वारंटीन खत्म करने के बाद सोनम सबसे पहले जिस जगह पर गई वो है जिम, जिसकी जानकारी खुद सोनम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी है। सोनम ने जिम से एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि क्वारंटीन के बाद पहला दिन और सीधे जिम में। सच में मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ वापस आकर इतना खुश हो सकती हूँ। सोनम जिम में एक मास्क लगाए हुए दिख रही है। सोनम ने जिम से अपनी फोटो को शेयर करते हुए अपना एक्सपीरियंस बताया है। उन्होंने इस पोस्ट पर अपने जिम ट्रेनर से वापस मिलकर खुशी जताई है और साथ ही कहा कि पहले दिन कौन इतनी मेहनत करता है। हालांकि सोनम ने ट्रेनर को धन्यवाद किया। सोनम के इस पोस्ट पर उनके पापा और बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने अपने थम्स अप और हार्ट इमोजी का कमेंट किया। हाल ही में उन्होंने फिर एक वीडियो फैंस के साथ इंस्टा पर शेयर किया है। कहावत है कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, तो शायद इसीलिए सोनम भी अपने हस्बैंड आनंद के लिए कुछ खास बनाने की सोच रही है। तभी उन्होंने फैंस के साथ आनंद की पसंदीदा फूड की फोटो शेयर की है। गौरतलब है कि सोनम के पति आनंद आहूजा का बर्थडे कुछ ही दिनों में आने वाला है और एक्ट्रेस इसकी तैयारी में जुटी हुई है। सोनम आनंद बर्थडे काउंटडाउन में लगी हुई है, इसीलिए वो हर रोज एक वीडियो भी शेयर कर रही है। वीडियो देखकर लग रहा है कि उन्हें आनंद के बर्थडे का बेसब्री से इंतजार है।